एक चीज में बहुत अच्छा लगा, इन्होंने ये जो पाइप यहाँ से यहाँ तक निकाल दिया है, इससे ये हमारा सील बॉक्स है ये टेढ़ा नहीं होगा, ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी। लेकिन साथ में इन्होंने एक चीज गलती किया कि ये भी सरक रहा है, इधर उधर जा रहा है, हाथ पैर लग के टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, सेंटर इसका खराब हो जाएगा। लेकिन जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बांध रखा है तो इनको यहाँ पे भी इसको बांध दे देना चाहिए एक तार से, ताकि ये इधर उधर खिसके नहीं। बाथरूम की पाइपिंग कर रहे हैं, चाहे आप किचन की कर रहे हैं, कमरे की कर रहे हैं, सभी को आपको मेन तक पहुँचाना जरूरी होता है। यानी कि मेन कहाँ से देंगे अभी से आपको सोच लेना चाहिए, नहीं तो बाद में क्या होगा। दोस्तों लेंटर पाइपिंग की पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा कि हमने एक लेंटर के अंदर 30 गज के प्लॉट के अंदर, जो कि मेरा अपना खुद का ही था, उसके अंदर मैंने पाइपिंग किया था और बताया था आपको कि किस तरह से हमें लेंटर की छत की अपने पाइपिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों आज हम आपको फिर से एक ऐसे प्लॉट पर ले जा रहे हैं जो कि 30 गज का नहीं बल्कि वो 50 गज का है, और वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, मतलब अजीबोगरीब आप अगर देखेंगे, जो मेरे पीछे आगे प्लॉट देख रहे हैं यही है, तो ये थोड़ा सा तिरछा है और इसके अंदर एक मतलब एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की गई है। जैसे पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा था कि जो हमारा लेंटर पड़ा हुआ था, जैसे कि उधर है वो लेंटर है, देख सकते हैं मेरा घर अपना है, तो उसके अंदर जो हमारा लेंटर पड़ा था तो वहाँ पे मतलब बिल्कुल सिंपल लेंटर था, तो उसके अंदर हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है उसको पाइपिंग करने में। लेकिन दोस्तों जैसे कि इस तरह से अगर लटक बीम है, आप देख सकते हैं ये, जैसे मतलब एक फुट का मतलब लटक बीम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चारों तरफ से होता है ये है, तो किसी कोई कोई अपना करवाता है अपने घर के अंदर, तो लटक बीम जिसके अंदर होता है उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। वैसे इस लेंटर के अंदर पाइपिंग हो गई है, लेकिन मैं आप लोगों को आज क्या बताने वाला हूँ कि जैसे कि हमें पाइपिंग जब करते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं दूसरे के काम में थोड़ी सी कमियाँ वगैरह भी होती है, तो हम अपनी कमियों को दूसरे का देख करके सुधार लें। तो दोस्तों क्या सही है क्या गलत है, और जब आप करने लग जाएं या हम दोबारा से जब करने लग जाएं, तो हमें इन बातों का ध्यान रखें जिससे कि हम जो ये गलती करके गए हैं वो गलती हम लोग दोबारा ना दोहराने पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं इस प्लॉट के अंदर, पहले देखते हैं कमरे वगैरह कितने हैं इसके अंदर, उसके बाद देखेंगे ऊपर जाकर के कि जो पाइपिंग की गई वो सही तरीके से हुई है या नहीं, हम चेक करेंगे। जो नया कुछ सीखने को मिलेगा तो सीखेंगे भी अच्छी चीज़, और कुछ कमी होगी तो भी आपको ज़रूर आगाह करेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं सीधे कमरे के अंदर, घर के अंदर। तो देख सकते हैं ये थोड़ा सा तिरछा प्लॉट है, ये कुछ इस तरह से तिरछा है, और तिरछे में यहाँ पे इन्होंने जीने का जो छज्जा निकाल रखा है इन्होंने, कि यानी कि जीना यहाँ से चढ़ेगा, यहाँ से छज्जा निकल करके छज्जे पर से ऊपर वापस हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही ये मेन गेट है यहाँ का, और यहाँ पे मीटर वगैरह लगेगा जो हमारे NDPL या नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड से आता है। और इधर देखिए सबसे पहले मेन गेट के अंदर घुसते ही यहाँ पे जीना है, देखिए यहाँ पे जीना है यहाँ पे, और इस तरह इस जगह पे जो है कि मोटर वगैरह लगाई जाएगी यहाँ नीचे जीने के हैं, तो यहाँ पे भी कनेक्शन देना होता है, तो ये सब ध्यान पहले ही जब पाइपिंग की जाती है तो रखा जाता है। और दोस्तों ये पहला कमरा है, देख सकते हैं ये ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसे, 9-10 का होगा, तो एक कमरा ये है। और उसके बाद में आ जाता है ये बाथरूम, ठीक है, बाथरूम भी है, कम से कम 4-7 का होगा ये बाथरूम, ठीक है। और ये है किचन, किचन के अंदर ये जो बना हुआ है ये सॉकेट है, जैसे कि गैप दिया जाता है अपने चिमनी लगाने के लिए या एग्जॉस्ट वगैरह लगाने के लिए, उसके लिए यहाँ पे गैप दिया जाता है, तो ये किचन है और साथ में सॉकेट है। और पीछे में लास्ट में एक और कमरा है जो कि बेडरूम होगा, तो ये बेडरूम है, और यहाँ पर जो कि दोस्तों टीवी भी लगेगी, और यहाँ पर जो कि इंटरनेट का भी कनेक्शन आ सकता है, ठीक है। तो हर चीज़ को ध्यान रखते हुए लेंटर की जो पाइपिंग है दोस्तों वो करनी पड़ती है। तो चलिए जैसे कि आपने कमरा तो देख ही लिया, अब ऊपर में जो पाइपिंग हो रखी है क्या सही तरीके से हो रखी है या नहीं, MCB का जो पॉइंट होता है नीचे उतारा जाता है वो सब ठीक तरीके से वहाँ पर है या नहीं, चलिए चेक करते हैं हम लोग। और आप लोग अगर यहाँ पे कोई गलती मिलती है, ये मेरा किया हुआ नहीं है, किसी और का किया हुआ है, इसलिए हम केवल प्रशिक्षण करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ नया होगा तो सीखेंगे, और अगर कुछ गलती होगी तो उसको हम स्मरण करेंगे। चलिए सीधे चलते हैं छत के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे जीना है, और जीने के नीचे यहाँ पे MCB का ये पॉइंट, यहाँ कस्टमर का कहना था कि हमें यहाँ पे MCB का पॉइंट चाहिए, तो MCB का यहाँ पे उतारा गया है, ठीक है। पहले यहाँ पे ये दीवार की जगह दिखाई दे रही थी, लेकिन अब ये दीवार यहाँ नहीं बनेगी, जैसे ये तोड़ दिया गया है वैसे ये तोड़ करके यहाँ पर एक MCB बॉक्स लग जाएगा बड़ा सा, जहाँ पर ये सारे सारे मेन पाइप जो है कि उतर जाएंगे। और जीने से ऊपर आते ही आप देख सकते हैं ये जो छज्जा है, छज्जे के ऊपर भी मतलब 2 कंसील लाइट यहाँ पे बंदे ने दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ताकि जो छज्जा आएगा एक तरफ तो ऊँचा रहेगा लेकिन एक तरफ जो कि नीचा रहेगा, तो दोनों पर हमें
कंसील लाइट चाहिए जो कि यहाँ पे दिया हुआ है एक, और दो कंसील लाइट हमारी इस जगह पर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ चीने की जो पाइपिंग है दोस्तों ये तो बढ़िया है, बहुत अच्छी है। और चलिए आइए ऊपर देखते हैं। तो दोस्तों हम शुरुआत करेंगे पीछे वाले कमरे से, ठीक है, क्योंकि हम लोग पाइपिंग करते हैं या आप भी पाइपिंग करते हैं तो शुरुआत सबसे पहले पीछे वाले कमरे से ही कीजिएगा। वहाँ से निपटाते हुए जब आएंगे आप तो आप मतलब पूरा आपका क्लियर होता जाएगा एक साइड से। तो चलिए सीधे चलते हैं पीछे वाले कमरे में। जैसे कि ये कमरा है ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 11 का है, ठीक है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है। और यहाँ पर एक ही 12 11 के कमरे के अंदर एक ही फैन बॉक्स लगाया जाता है। जैसे अगर कि 12 24 का कोई बड़ा कमरा है तो उसके अंदर आपको दो फैन बॉक्स लगाने की ज़रूरत है, लेकिन अगर एक ही कमरा है छोटा सा 10 10 का है या 12 12 का है या 14 14 का है तो उसके अंदर आपको केवल एक ही फ़ैन बॉक्स लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक फ़ैन बॉक्स लगा हुआ है और चारों तरफ इसके अंदर कंसील लाइट लगाई गई है। ठीक है, चारों तरफ कंसील लाइट लगाई गई है, देख लीजिए एक कमरे के अंदर चार कंसील लाइट है, एक फ़ैन बॉक्स है और पाइपें उतारी गई हैं नीचे की, मतलब किस तरफ हमें लाइट चाहिए किस तरफ हमें बोर्ड चाहिए। तो कस्टमर कहीं भी मांग ले तो इसके लिए जो लगाने वाले हैं भाई उन्होंने जो कि यहाँ पे चारों तरफ पाइपों को उतार रखा है, इधर भी पाइप उतरा हुआ है, यहाँ पे भी पाइप उतार रखा है उन्होंने, वहाँ भी उतार रखा है और उस तरफ भी उतार रखा है, चारों तरफ दीवारों पे पाइपें हमारी उतरी हुई हैं। ठीक है, और इसके साथ ही दोस्तों इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है मैं आपको बताऊँ। देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग जब घर के अंदर टीवी लगाते हैं तो शुरुआत में हमारे डिसाइड नहीं होता था हमें किधर टीवी लगानी है, हमें सेट टॉप बॉक्स इंटरनेट का कनेक्शन मतलब हमें कहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर जो काम किया गया है बहुत अच्छा काम एक और भी किया गया कि जैसे कि चारों तरफ आप देखेंगे एक इधर है एक उधर एक इस तरफ, वहाँ पर क्योंकि बीच की दीवार है तो वहाँ पर उन्होंने नहीं उतारा, लेकिन बाकी तीन तरफ जो है कि यहाँ पे ऊपर पाइप निकाल दिया है, जिससे ये फ़ायदा होता है कि इनको कहीं पर भी सेट टॉप बॉक्स लगाना है, कहीं पर भी टीवी लगानी है, कहीं पर भी इंटरनेट का इस्तेमाल करना है तो कहीं पर भी ये कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पर कह देंगे वहीं से बंदा ऊपर से तार उतार देगा और इनका टीवी कनेक्शन इंटरनेट जो भी होगा वो चल जाएगा। तो पिछले कमरे के अंदर जो पाइपिंग की गई है बहुत बढ़िया तरीके से की गई है, और साथ ही दोस्तों देख सकते हैं जो कंसील लाइट वगैरह लगाया है इन्होंने, जैसे कि इसमें से तो पार होकर के मेन कनेक्शन गया है आगे, लेकिन इधर जो आप कनेक्शन देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप ये कंसील लाइट देख रहे हैं तो कंसील लाइट हम लोग लगाते हैं या हमने पहले कभी लगाया था तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि एक ये वाला पाइप लगा करके छोड़ देते थे और इस तरह का कुछ भी नहीं लगाते थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक चीज़ इसमें ऐड किया है, नया सीखने की चीज़ है यहाँ पर, हालाँकि बहुत लोग करते होंगे लेकिन मेरे सामने अभी ये पहली बार आया है जो कि बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने ये जो कंसील बॉक्स है, जैसे कि अगर एक ही लगा रहे पाइप इसमें तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इधर से भी झुक जाता है तो हमारे जो बल्ब होते हैं जो हमारे कंसील की लाइट होती है वो टेढ़ी हो जाती है, फिटिंग में नहीं आती सही से। तो इन्होंने क्या किया है कि एक पाइप इधर से निकाल करके दूसरी तरफ इस तरह से इन्होंने ये निकाल दिया है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये पाइप जो है कि हमारा जो कंसील बॉक्स है ये टेढ़ा नहीं होगा है, और हमारी लाइटें जितनी भी लगी रहेंगी वो टेढ़ी टेढ़ी नहीं होंगी, मतलब बहुत अच्छे से वो फिक्स रहेंगी। तो इसी तरह से जैसे कि ये है वैसे ही सारे कंसील बॉक्सों को इन्होंने इसी तरह से फिक्स कर रखा है जितने भी यहाँ पे कंसील बॉक्स लगे हैं। तो ये चीज़ इन्होंने बहुत अच्छा ऐड किया है, और साथ ही इन्होंने निशान लगाने के लिए आप देख सकते हैं ये बदरपुर का इस्तेमाल किया है जो कि बहुत पुराना हिसाब किताब है, यहाँ पर कागज़ वगैरह भी या अखबार वगैरह भी लगाया जा सकता था। तो खैर चलिए निशान ही लगाना है, बाकी तो काम ठीक ही है इनका। और इसके साथ ही दोस्तों जितने भी कंसील बॉक्स हैं और जितने भी फ़ैन बॉक्स लगे हुए हैं यहाँ पे इन्होंने जो है कि सब में टेप लगा रखा है, यानी कि ये रेत जो है कि केवल निशान का काम करेगा, बाकी जब इसके हमारा लेंटर डल जाएगा तो लेंटर डलने के बाद में खोलने में और इसको मतलब ढूंढने में हमें दिक्कत ना हो, इसको साफ़ करने में ज़्यादा मेहनत ना लगे, तो इन्होंने नीचे से ऊपर से सब तरफ से यहाँ से नीचे से भी है नीचे अब हाथ लगाएंगे तो पता चलता है कि यहाँ पर सब तरफ इन्होंने टेप से ढक दिया है जो कि खोलते समय कोई भी परेशानी नहीं होती है और बहुत आराम से खुल जाता है और सफाई के साथ खुल जाता है हमारा लेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ मतलब कर रखा है, टेप लगा रखा है, हालांकि सभी लोग लगाते हैं, अगर आप नहीं लगाते हैं तो ज़रूर लगाइएगा। और दोस्तों आगे अगर आप आएंगे तो देखेंगे सभी के अंदर जैसे पीछे वाले कमरे में इन्होंने फिटिंग मतलब पाइपों को उतारा है वैसे ही इन्होंने यहाँ पर भी उतारा है। ठीक है, तो यहाँ पर उतारने में एक चीज़ इन्होंने किया कि जैसे कि इस दीवार पे चारों तरफ इस तरफ जो कि ये किचन है, कमरे से दूसरे नंबर पे किचन आ जाता है, तो किचन के एक तरफ जो कि लाइट उतार रखा है इन्होंने और दूसरी तरफ जो है कि यहाँ पे जो कि गैलरी है वहाँ पर भी एक बल्ब लगाने के लिए बाकी दो कंसील बॉक्स यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर चाहें तो आप यहाँ पे लाइट की बोर्ड की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है उतारने की है, किचन से इसकी जो गैलरी की जो दोनों लाइटें हैं ये कंसील बॉक्स हैं इसके अंदर कनेक्शन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है, मान लो कस्टमर कह दे नहीं मुझे गैलरी के अंदर बोर्ड चाहिए या मुझे एक ट्यूबलाइट लगानी है गैलरी के अंदर, तो उसके लिए आपको एक पाइप उतार करके दे देना
अच्छा रहता है, नहीं तो बाद में जब आप इसके अंदर झर्री काटने लग जाएंगे तो बहुत लंबा झर्री काटना पड़ेगा। इसलिए अगर आप ऊपर से कंसील बॉक्स से या फैन बॉक्स से कनेक्शन दे देते हैं, एक पाइप उतार देते हैं नीचे दीवार पे, तो ये आपको ज़्यादा आसान पड़ता है। बाकी आप वहाँ पे केवल एक फुट आपको झर्री काटनी पड़ेगी और आपका कनेक्शन वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने भी ये बहुत अच्छी चीज़ मतलब यहाँ पे कर रखा है। और यहाँ पे क्योंकि कोई टीवी वगैरह नहीं लगेगी, इसलिए यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऊपर जाने के लिए कोई भी पाइप इन्होंने नहीं लगाया है, ठीक है। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मेन का कनेक्शन की अभी बात करेंगे। और यहाँ आ जाइए आप ये बाथरूम के अंदर, तो बाथरूम के अंदर इन्होंने जो कि दो लाइटें लगाई हैं। देखिए, हो सकता है ये कुछ डिजाइन वाली कुछ फैंसी लाइटें लगाएंगे, क्योंकि रंग बिरंगा नहाते हुए नज़र आना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए दो कंसील बॉक्स, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, एक फैन बॉक्स लगा हुआ है छोटे से बाथरूम के अंदर और एक दो कंसील लाइट लगी हुई है, ठीक है, कंसील बॉक्स लगे हुए हैं। अब इसको कनेक्शन देने के लिए इसको इस बॉक्स के साथ में यहाँ पे जोड़ना चाहिए था, ताकि यहाँ से इसका कनेक्शन मिल जाता, इधर से जोड़ देते या इधर से कहीं से जोड़ देते, उस फोन बॉक्स से या इसमें मिला देते, जिससे कि यहाँ पे कनेक्शन देना मतलब आसान हो जाता आगे चल के। लेकिन अभी क्या होगा कि इनको झर्री काट करके ले जानी पड़ेगी, चाहे वो इस तरफ ले आएँ और चाहे वो उस तरफ ले जाकर जाएँ, अंदर अंदर इनको झर्री काटना पड़ेगा। इसलिए ऐसे में आपको चाहिए कि बाथरूम का कर रहे हैं, बाथरूम पाइपिंग कर रहे हैं, चाहे आप किचन की कर रहे हैं, कमरे कर रहे हैं, सभी को आपको मेन तक पहुंचाना जरूरी होता है। यानी कि मेन कहां से देंगे, अभी से आपको सोच लेना चाहिए, नहीं तो बाद में क्या होगा, आपको बहुत लंबा चौड़ा झर्री काटना पड़ेगा, ठीक है। तो बाथरूम का ये हो गया। अब आइए यहाँ इसके अंदर भी, जैसे पीछे वाले कमरे की पाइपिंग की गई है वैसे ही इसकी भी है, चारों तरफ इसमें पाइप उतारा गया है, इधर भी है, उधर भी है, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी। कमरे का मतलब जो भी बिजली की फिटिंग का जो पाइपिंग का जो हिसाब किताब होता है, ये पाइपें हैं सबको आपको उतार देना है, सब तरफ जहाँ भी दीवार है सब तरफ उतार दीजिए, यही फॉर्मूला है, जिससे कि आपको मतलब झर्री कम काटनी पड़ेगी। जहाँ पर बोर्ड चाहिए, जहाँ भी लाइट चाहिए, वो बहुत आसानी से मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि ये डाइनिंग टेबल वगैरह जहाँ पर होता है, वहाँ पर भी एक इनको एक पाइप लगाना चाहिए था ऊपर जाने के लिए, ताकि कई बार क्या होता है कि खाते खाते सबको न्यूज़ भी देखना होता है ना, तो वहाँ पर भी एक ऊपर निकल जाता पाइप, एक तरफ निकल जाए, ज़्यादा दोनों तरफ की ज़रूरत नहीं है, तो ये होना चाहिए यहाँ पर। बाकी जो इसके अंदर पाइपिंग की गई है, देखिए बहुत ही मतलब मेरे को एक चीज़ में बहुत अच्छा लगा, इन्होंने ये जो पाइप यहाँ से यहाँ तक निकाल दिया है, इससे ये हमारा जो फैन कंसील बॉक्स है ये टेढ़ा नहीं होगा, ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी, जो कि बहुत बेस्ट है। लेकिन साथ में इन्होंने एक चीज़ गलती किया कि ये भी सरक रहा है, इधर उधर जा रहा है, हाथ पैर लग के टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, सेंटर इसका ख़राब हो जाएगा। लेकिन जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बांध रखा है, तो इनको यहाँ पे भी इसको बांध दे देना चाहिए एक तार से, ताकि ये इधर उधर खिसके नहीं। तो ये बंधन करने में तो इन्होंने थोड़ी कंजूसी की है, देखिए जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ऐसे बांध रखा है, तो ये पैर लग जाए किसी का तो ये निकल सकता है, तो थोड़ा ये ध्यान देना चाहिए इस बात पर। और दोस्तों जैसे यहाँ पे इन्होंने पाइपिंग किया हुआ है, तो यहाँ जो जीना है हमारा, जीने के ऊपर में देखिए छोटा सा एक छज्जा है यहाँ पे, है जो कि जीने के अंदर जैसे टू वे कनेक्शन वगैरह होते हैं, तो उसे इस लाइट को जलाने के लिए तो यहाँ पर भी एक दे दिया गया है, जो कि ये कंसील बॉक्स, और जिसके अंदर की वहीं से मेन उतर गया है, मेन आपका जो कि इस कमरे के अंदर यहीं से आ जाएगा। तो इन्होंने मतलब इस तरह से इसका कनेक्शन किया है। अब दोस्तों इधर वाले छज्जे की बात करें, तो इस छज्जे के ऊपर भी आपकी जो तीन कंसील बॉक्स एक लाइन से आपको दिखाई दे रही है इस कमरे की, और उसी के साथ में उसका कनेक्शन किया गया है, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन किया गया है, तो वो इसी कमरे से जलेगा वो उसका लाइट, ठीक है। जैसे कि ये पाइप आपका उतरा हुआ है, यहाँ पर उसका स्विच आएगा आगे वाले छज्जे का, और इसका भी स्विच कनेक्शन यहाँ से आएगा, नहीं तो घुमा करके इसको ले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से तो सारे कमरों की जो कि पाइपिंग की गई है, लेकिन अब बात आती है कि मेन की जो होता है, उतारते हैं हम मेन का पाइप जब उतारते हैं, यानी कि सभी बॉक्सों के अंदर से हम मेन मिलाते हैं, तो मेन का कनेक्शन हमारा किस प्रकार से होना चाहिए, मतलब कहाँ से सही रहता है। तो इसमें जानने वाली बात यह है, जैसे कि देख सकते हैं, जैसे ये पीछे वाला कमरा है, ठीक है, तो पीछे वाले कमरे जो फैन बॉक्स आया हुआ है, इस फैन बॉक्स के अंदर केवल 8 सुराग हैं, ठीक है, 8 सुराग हैं, और 8 सुराग होने के बाद में इसके अंदर चार तो पाइप चारों तरफ उतरे हुए हैं, और चार कंसील लाइट लगी हुई है कमरे के अंदर में, तो सारे के सारे मतलब वो ब्लॉक हो गए हैं, उनके जो सुराग हैं वो सारे के सारे ब्लॉक हो गए हैं। अब हमें उसके अंदर से अगर मेन ले जाना है, मेन निकालना है, तो मेन निकालने के लिए हमें उसके अंदर जगह नहीं बचती है, तो ऐसी स्थिति में आप जो कि कंसील बॉक्स से मेन निकाल करके ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे कि हम इसको जब ले जाते हैं, तो बहुत लोग होते हैं कि सरिया के यानी कि पाइप के ऊपर से लेकर के जाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि ये बीम के अंदर से लेकर के गए हैं यहाँ से वहाँ तक, ठीक है, यहाँ से वहाँ तक अगर आप देखेंगे तो बीम के अंदर से जितने भी पाइप हैं ज़्यादातर ये लेकर के गए हैं, और इसका इनका ले जाने का यही मकसद था जहाँ तक मुझे लगता है, कि क्योंकि इधर से अगर ले जाएंगे, इसके ऊपर से ले जाएंगे, तो ये पाइप जो कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा, और उसके बाद में अगर कोई मान लीजिए पैर रख दिया इसके ऊपर, तो दोनों ही पाइप टूट सकते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया है कि मतलब बीम के अंदर से निकाल लिया है, ठीक है।
लेकिन ऐसे में दोस्तों बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम बीम के अंदर से पाइपें निकाल लेते हैं और बीम के अंदर मान लीजिए अगर टूट गया है, पाइप हमारा ब्रेक हो गया कहीं से, तो उसको हम आखिर कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि बीम नहीं तोड़ा जा सकता है। छत हम तोड़ लेंगे थोड़ी देर के लिए, हैं थोड़ा सा जगह बना लेंगे और उसके बाद वहाँ पर मसाला लग जाएगा, लेकिन बीम कैसे तोड़ेगा कोई वहाँ पर पाइप ठीक करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा तोड़ना पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा जो मेन का जो पाइप है सभी फैन बॉक्सों के अंदर से जाता है, चाहे कंसील बॉक्स के अंदर से निकल के जाए, वो पाइप हमारे लेंटर के ऊपर से जाए, ऊपर से निकल करके, लेकिन बीम के अंदर से अगर आप जब डाल रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह से इंतजाम करना चाहिए कि आपके जो ये पाइप हैं कहीं से चाहते हुए भी अगर कोई निकालना चाहे या खींचना चाहे तो निकले नहीं, कुछ इस तरह से इंतजाम कर देना चाहिए ताकि आपको भविष्य में परेशानी ना हो। क्योंकि दोस्तों वहाँ से लेकर के वहाँ तक अगर पाइप हमें मिलाना है, ठीक है, तो आपको बहुत लंबा पाइप है और कहीं से भी एक पाइप निकल गया तो आपका वो कमरे के अंदर लाइट नहीं पहुंचेगी, आपको मतलब बहुत ज़्यादा झर्री काटनी पड़ेगी जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो इस ये जो कमरा है इसका पाइप जो कि दोस्तों इस तरह से बीम के अंदर से होकर के गया हुआ है, देख लीजिए, और ये इस वाले कमरे का यानी कि ये जो किचन है, किचन का जो कि मेन है वो भी आपका जो कि ऐसे हो करके है, यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ा है लेकिन चढ़ने की वजह से इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर एक सरिया लगा हुआ है, यहाँ से चढ़ने से कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये भी आपका बीम के अंदर से चला गया है मेन MCB बॉक्स तक। और दोस्तों ये जो बाथरूम है, बाथरूम को मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इन्होंने मेन नहीं मिलाया है, ये मिलाना चाहिए, इनको कहीं से मिला दें, इधर से मिला दें, उधर से मिला दें, कहीं से मिला दें, हैं तो इनको मिलाना चाहिए था। और बाकी इस कमरे के अंदर जो हम देखेंगे इधर वाले में 9-10 में, तो इसके अंदर भी इन्होंने जो मेन मिला रखा है, इन्होंने यहाँ से लेकर के इसमें गए हैं यानी छज्जे के ऊपर, छज्जे पर से यहाँ पे इन्होंने यहाँ से नीचे उतार दिया, जो कि ठीक है क्योंकि जगह इसके अंदर ज़्यादा नहीं है, देख सकते हैं 8 सुराख हैं, 8 के 8 इसमें भरे पड़े हैं पूरे के पूरे। और इधर का कनेक्शन आप देखेंगे इस तरफ का, तो ये वैसे ही जल जाएगा, वहाँ पे मेन की ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर से कनेक्शन हो जाएगा इसका। और यहाँ पे MCB बॉक्स के पास आते हैं तो यहाँ पे दो पाइप इन्होंने निकाल रखा है, जो कि अच्छी बात है, ये ऊपर के कनेक्शन के लिए होता है, मान लो एक आध कभी ब्लॉक हो जाए या इंटरनेट का एक में आ रहा है या एक में मान ली मेन तार जा रहा है ऊपर, तो ये दो चीज़ें होना ज़रूरी है, दो पाइप होना ज़रूरी और है। और इसी MCB बॉक्स से एक पाइप बीम के अंदर से ही इन्होंने ये वाला पाइप बाहर निकाल रखा है, जो कि हमारे मीटर तक कनेक्शन चला जाएगा। यहाँ पे जैसे कि इन्होंने देखिए यहाँ पे बंधन बांध रखा है ये, ठीक है, ये इन्होंने पाइप बांधा है, ये पाइप जो कि दोस्तों निकल सकता है, यहाँ पे हल्का सा निकल जाएगा है, और ये पाइप भी ऐसे निकल करके बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या चाहिए, आप लोग एक काम करा करो, जैसे ये सरक गया, मैंने सरकाया तो सरक गया, तो आपको चाहिए कि यहाँ पे थोड़ी सी LP आती है, LP लेकर के लगा दीजिए, या तो टेप इसके ऊपर लगा दीजिए ताकि ये सरके ना, ना तो इधर से निकले ना ही तो इधर से निकले, क्योंकि दोस्तों ये लटक बीम जो लगा हुआ है, इस लटक बीम के अंदर हमें जो कि ये सब करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और पाइप अगर निकल गया तो हमें ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आपको चाहिए कि यहाँ पर LP लगा दें, LP दो बूंद चिपका देंगे तो आपका ये चिपक जाएगा, कभी छोड़ेगा नहीं। तो जितने भी ज्वाइंट हैं, और जब बंधन बांधते हैं आप इसके ऊपर, तो जहां भी बैंड हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहां से वहां तक पाइप यहां तक आया हुआ है, तो यहां पर इन्होंने बांध दिया है, लेकिन इसको जो है कि यहां पर भी बांधना चाहिए एक बार, नहीं तो जैसे ये ज्वाइंट है तो ज्वाइंट ये खुल सकता है, तो ये नजदीक में यहां पर ऐसे बंधा रहेगा तो कहीं पर हिलेगा नहीं। तो जहां भी अगर डबल ज्वाइंट है, ज्वाइंट के दोनों तरफ ये बंधन जो है कि वो बांधने चाहिए, ठीक है, अगर दोनों तरफ बांध के रखेंगे तो वो मजबूती रहेगी और कभी खुलेगा नहीं। और जितने भी बैंड हैं, जैसे कि वो बैंड है वहां पे नहीं बंधा हुआ है, वहां पे बांधना चाहिए था अच्छे से, हैं। और ये जो बैंड है दोस्तों यहां पे, ये देखिए यहां पे बंधा हुआ है लेकिन लूज है, ये भी यहां पे अच्छे से इसको बांधना चाहिए, और LP लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहां पे टेप लगा दीजिए। तो दोस्तों यहां पे जो पाइपिंग की गई है, लटक बीम है, यहां पे थोड़ी सी परेशानी होती है इसको करने में, लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात जो है वो यही है कि कोशिश ये करनी है कि हमारे पाइप कहीं से ब्रेक ना हो जाए, टूट ना जाए, निकल ना जाए, जिससे कि हमें भविष्य में कभी दिक्कत हो, कभी परेशानी हो। तो इस तरह से दोस्तों इस लेंटर की पाइपिंग की गई है, आप लोग जब कीजिएगा तो इस सबका ध्यान रखिएगा जो मैंने कमी बताई है, और बाकी जो अच्छा लगा है उसको ज़रूर अपनाइएगा अगर अभी तक आपने नहीं अपनाया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आने वाली आगे की और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय सियाराम।